वेलकम बैक टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी अगेन। तो आज मैंने दीपिका पादुकोण इंस्पायर्ड मेकअप लुक किया है, जो कि आप लोग देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल ड्यूई फिनिश लुक है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो किस तरीके से मैंने इस लुक को अचीव किया है, देन प्लीज कीप वॉच द वीडियो टिल दी एंड। और साथ ही साथ आप लोग अगर मुझे मेरी सोशल अकाउंट्स पे फॉलो करना चाहते हो तो उनके लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे टोनर अप्लाई कर रही हूँ। ये है गुड वाइब्स का टोनर। ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करेगी और आपके स्किन को अच्छे से हाइड्रेट भी कर देगी। उसके बाद मैं यहाँ पे बायोटिक का मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। समर्स के लिए ये मॉइस्चराइजर काफी अच्छा है, आपके स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करने में हेल्प करती है। तो इसको मैं अच्छे से मसाज करते हुए अपने स्किन पे एब्जॉर्ब होने दूंगी। उसके बाद मैं प्राइमर यूज करूंगी। ये है NYB का प्राइमर, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, तो आपके पोर्स को बहुत अच्छे से फिल कर देती है और साथ ही साथ जो फाइन लाइंस वगैरह है उनको ये ब्लर आउट करने में बहुत अच्छे से हेल्प करती है और आपके स्किन को बिल्कुल स्मूथ बना देती है। देन फाउंडेशन के लिए मैंने आज लिया है मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। इसको मैं पहले फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ, देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। शेड नंबर जो कुछ सब है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सब मेंशन कर दूंगी। और ये फाउंडेशन आपको मीडियम कवरेज प्रोवाइड करेगा। आप इसको पतला करके अगर एक लेयर लगाना चाहते हो तो आपको ये बहुत ही ज्यादा पतला मतलब लाइट कवरेज देगा, लेकिन आप इसको डबल लेयर लगाओगे तो आपको ये मीडियम कवरेज भी दे देता है। उसके बाद अपने हाईएस्ट पॉइंट को कंसील करने के लिए मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। ये जो कंसीलर है मैं अपने ऑलमोस्ट सारे वीडियो में ये कंसीलर यूज करती हूँ। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इस कंसीलर की और आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट ये आपको फुल कवरेज प्रोवाइड करती है। रिजनेबल प्राइस में ये कंसीलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और सबसे खास बात ये है कि ये आपके अंडर आई में बिल्कुल क्रीज नहीं करती है। बाकी जो कंसीलर्स होते हैं आपके अंडर आई में बहुत जल्दी से क्रीज हो जाती है, ये कंसीलर आपके अंडर आई में बिल्कुल क्रीज नहीं करती है। तो ये मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसको मैं अच्छे से सेम स्पंज की हेल्प से मैंने ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं अपने जहाँ जहाँ कंसीलर मैंने अप्लाई किया है उस जगह को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे स्टेक्वेरिटी का लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। इससे मैं अपने जहाँ जहाँ कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पे सेट होने के लिए रख दूंगी। और मेरा जो बाकी का फेस है उसको मैं सेट करूंगी मेबेलिन की इस फिट मी लूज पाउडर से। बहुत ही हल्का मतलब क्वांटिटी में बहुत कम पाउडर मैंने लिया है ब्रश में और उससे मैं अपने पूरे फेस को सेट कर रही हूँ। ये लूज पाउडर भी काफी अच्छा लूज पाउडर है। एंड देन जो स्टेक्वेरिटी का लूज पाउडर था मैंने बेक होने के लिए लगाया था उसको मैं डस्ट आउट कर लूंगी। उसके बाद दीपिका का जो फेस है वो बहुत ही नेचुरली स्ट्रक्चर्ड फेस है, तो मेरे फेस मतलब चबी फेस है उसको थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर्ड दिखाने के लिए मैं यहाँ पे मिस क्लेयर की कॉन्ट्रोलिंग पैलेट में से कॉन्ट्रोल शेड को पिक करके अपने चिक बोन्स को अपने फोरहेड को कॉन्ट्रोल कर रही हूँ ताकि उनके जैसे मेरी फेस भी थोड़ी बहुत चिजल दिखे, थोड़ी बहुत ऐसा लगे कि स्ट्रक्चर्ड फेस है। देन अपने डबल चिन को हाइड करने के लिए मैं अपने जॉ लाइन को भी बहुत अच्छे से कॉन्ट्रोल कर रही हूँ। सेम पैलेट में से ब्लशर कलर को यूज करके मैं अपने चिक्स पे ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में अप्लाई कर रही हूँ। आप अगर उनका पिक देखोगे तो बहुत ज्यादा ब्लशर उनके चिक्स पे नहीं थी, तो बहुत हल्के हाथों से मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मेरी जो कॉन्ट्रोलिंग का लाइन है उसको शार्प दिखाने के लिए मैं यहाँ पे मेबेलिन की फिट मी लूज पाउडर से इस तरीके से एक लाइन बना रही हूँ ताकि जो मेरी कॉन्ट्रोलिंग का लाइन है वो बहुत शार्प लगे।
ऑफ कैमरा में मैंने अपने आईब्राउज को फिल कर लिया है, तो अभी चलते हैं आई मेकअप की तरफ। मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट में से मैं ये लाइट ब्राउन कलर शेड को पिक करके एज ए ट्रांजिशन शेड मैं अपने पूरे आई स्पेस को अप्लाई कर लूंगी। और आप देखो कि मैं ब्रश को थोड़ी बहुत बाहर की तरफ ड्रैग करते हुए लेके जा रही हूँ। उनका जो आई मेकअप है बहुत ही ज्यादा सिंपल आई मेकअप है, और उनके जो आई लीड है उस पे थोड़ी बहुत शिमरी इफेक्ट भी है। तो मुझे पिक्चर देखकर जितना मुझे मालूम पड़ा मैं उतना ही कर रही हूँ। उसके बाद ये डार्क ब्राउन कलर शेड को पिक करके मैं अपनी क्रीज लाइन को थोड़ी सी डिफाइन कर रही हूँ। आउटर वी को थोड़ी सी डार्क रखते हुए मैं धीरे धीरे कलर को अपनी क्रीज लाइन तक लेके आ रही हूँ। उसके बाद मैं अपने आई लिड पे ये दोनों कॉपर शेड को मिक्स करके लगाऊंगी, क्योंकि उनका पिक्चर देखकर मुझे इतना ही लग रहा था कि उन्होंने एक कॉपर शेड की आई शेडो अपने पूरे आई लिड पे अप्लाई किया है। तो मैं सेम थिंग कर रही हूँ, अपने फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ ताकि पिगमेंटेशन है आई शेडो की वो बहुत अच्छी आती है। उसके बाद ये शैम्पियन शेड को लेके मैं अपनी आई लीड के सेंटर में इसको अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक रेडिएंट सा इफेक्ट आए मेरे आई लीड के ऊपर। आप चाहो तो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिंगर से बहुत अच्छी सी इसके जो कलर है वो बहुत अच्छे से पॉप आउट होती है। सेम शैम्पियन कलर शेड को लेके मैं अपने आईब्राउज को हाईलाइट कर रही हूँ, और सेम कलर से मैं अपने आईज के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूंगी। मिस क्लेयर की कॉन्टूरिंग पैलेट में से सेम कॉन्टूर शेड को पिक करके मैं अपने नोज को अच्छे से कॉन्टूर कर रही हूँ। देन सेम पैलेट में से ये ब्लैक कलर शेड को पिक करके मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से बहुत पतला करके एक विंग्ड लाइनर ड्रॉ करूंगी। आप अगर उनका आई मेकअप देखोगे तो उन्होंने कोई लाइनर अप्लाई नहीं किया है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत पतला करके एक आई शेडो को अप्लाई किया है और उसको अच्छी तरीके से स्मज कर दिया है। तो मैं वैसा ही कर रही हूँ, बहुत पतला करके मैं अप्लाई कर रही हूँ। हो सकता है कि मैं आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अच्छे से स्मज कर रही हूँ कलर को। एंड देन अपने लोअर लैश लाइन पे मैंने जो क्रीज कलर में अप्लाई किया था उसको लेके मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। देन मस्कारा अप्लाई कर लूंगी। यहाँ पे मैंने लिया है मेबलिन का मस्कारा, ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है। ये आपके लैशेस को बहुत अच्छे से कोट कर देती है, आपके लैशेस को वॉल्यूम देती है, लेंथ भी बहुत आ जाती है इस मस्कारा को अप्लाई करने के बाद। उसके बाद अपने मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ। इससे मैं अपने पूरे बेस को अच्छे से सेट कर लूंगी। देन अपने फेस पे ग्लो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। शेड है प्रेशियस पेटल, और ये हाइलाइटर मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट हाइलाइटर है, तो इससे मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लूंगी। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये मेरे फेस में ग्लो प्रोवाइड कर रही है। वाओ, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। आप चाहो तो दूसरा कोई हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो, मेबलिन के जो मास्टर क्रोम हाइलाइटर है वो भी बहुत अच्छा है, उसका भी यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं अपने वाटर लाइन में ये न्यूड आई पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ। देन ऑफ कैमरा में मैंने फॉल्सिस अप्लाई कर लिया है। देन अपने लिप्स में मैं ये दोनों शेड को मिक्स करके लगाने वाली हूँ, क्योंकि दीपिका के जो लिप्स पे उन्होंने लिपस्टिक अप्लाई की थी वो एग्जैक्ट कलर मेरे पास नहीं है, तो मैं इन दोनों शेड को मिक्स करके अपने लिप्स पे अप्लाई करूंगी। होप कि जो
उन्होंने लिपस्टिक में कलर अप्लाई की थी वो कलर आ जाए, आई एम नॉट श्योर। तो जो लिपस्टिक मैं अप्लाई कर रही हूँ उसका नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जो है मेरी मेकअप कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए ऑफ कैमरे में मैं अपने ड्रेस और हेयर करके अभी आती हूँ। और ये है मेरी फाइनल लुक, होप कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। और उन्होंने अपने हेयर्स को थोड़ी सी सॉफ्ट कर्ल करके पॉनीटेल किया है, तो मैंने भी सेम थिंग कर लिया है अपने हेयर्स पे। और ये है मेरी हस्बैंड की व्हाइट शर्ट है, इसको मैंने उनके जैसे टॉप बना के पहन लिया है। सो गाइज, होप कि मेरी ये आज की दीपिका पादुकोण इंस्पायर्ड मेकअप लुक आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और साथ ही साथ आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो यही तक थी, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड मेकअप लुक आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।